हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अभी कुछ अपडेट है, 400 करोड़ का बजट जो है वो सरकार की तरफ से पास किया गया है। इसमें कितनी खबर है, क्या सही है क्या गलत है, तो मैं पूरी वीडियो के माध्यम से बातें करूँगा, क्योंकि मैंने इस पर बात किया है, क्या उन्होंने कहा है, तो वह मैं पूरी बातें आपको बताऊँगा। बस आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो शुरू से तक बने रहें। क्या वाकई 400 करोड़ का बजट पास हुआ है? तो उससे पहले दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बचे हुए छात्रों की आज से भेजी जाएगी स्कॉलरशिप। 400 करोड़ का बजट हुआ पास, नई अपडेट यहाँ से देखिए। तो खैर ये 400 करोड़ का क्या मतलब है, तो इस पर समझते हैं। अगर 400 करोड़ का बजट पास होता है दोस्तों, तो इसमें स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। अब यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप 9-10 की 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह, ये सरकार की तरफ से निकाल कर फॉर्म भरने को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे नहीं आई है उन छात्रों को सरकार से महत्वपूर्ण सूचना भेजी गई है। यूपी स्कॉलरशिप नया बजट ये है, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से जो बट खत्म हुआ था पुनः प्राप्त कर दिया गया है और पास किए गए बजट में 400 करोड़ शामिल है। इसमें सभी छात्रों को स्कॉलरशिप आज से भेजनी शुरू कर दी जाएगी, जिन छात्रों के अभी स्कॉलरशिप तक नहीं आई, यानी ऐसे बहुत से छात्र हैं जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई, वो यहाँ से स्कॉलरशिप आना शुरू होगी। अब हम इस नए बजट में बजट शामिल किए, इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी शामिल हैं। आपको पता होगा सरकारी तरफ से बजट खत्म हो गया था, जिसकी वजह स्कॉलरशिप नहीं भेजी जा रही थी, अब सरकार ने पुनः भेजा है। तो यहाँ पे अभी तक आंकड़ों में अनुसार, यानी जो सिर्फ और सिर्फ अभी 30% की स्कॉलरशिप खाते से आई है, बाकी 70% स्कॉलरशिप अभी तक खाते में नहीं है। ऐसी छात्र जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आई है वो बहुत परेशान है, वह निरंतर ट्वीट के माध्यम से ट्रेन करके आते रहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पा रहा है। हल्कि उनकी समस्याएँ दूर हो गई हैं, फिर से आना शुरू हो गई 400 करोड़ वजह। तो यानी दोस्तों यहाँ पर ये क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, आप खैर इन चीज़ों को जब देखेंगे तो सारी, तो आप दोस्तों इस न्यूज़ का मतलब क्या है? इस न्यूज़ का मतलब अभी ऐसी कोई खबर नहीं है, क्योंकि मैं समाज कल्याण वगैरह में मैंने इस न्यूज़ को लेकर मैंने बात किया, तो उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा बजट जो है पास हुआ है। लेकिन इसमें जो ये भी कहा है कि आप परेशान मत हो, ये सरकार की तरफ से बजट आएगा, लेकिन अभी तक 400 करोड़ का कोई बजट इस तरीके का सरकार की तरफ से नहीं पास हुआ है। बजट पास होगा उसी में ही सरकार जो है सबको देने की कोशिश करेगी। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो, घबराने की जरूरत नहीं है। स्कॉलरशिप तो आना आ जाएगी, नहीं आना नहीं आएगी, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप सारी चीज़ें छोड़ कर सिर्फ और सिर्फ जो है आप फोकस करिए कि हमें स्कॉलरशिप मिले, आप पढ़ाई पर ध्यान ना दीजिए। नहीं दोस्तों, आप पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए ताकि सारी चीज़ें होती हुई चली जाएँ, ठीक है? तो और बाकी चीज़ें जो भी हैं, कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास आती रहती है, मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन कोई अपडेट मेरी अभी तक उनसे प्रॉपर चीज़ें बात नहीं हो पा रही है त्रिवाड़ी साहब से, जिसकी वजह से आप तक जो है कोई अपडेट और जिस तरह कुछ अपडेट आती है उसको लेके मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके रिगार्डिंग मैं उनसे भी बात करूँगा, अगर बात हो जाएगी तो ही मैं बता पाऊँगा कि क्या ये सही है गलत है। तो यही एक अपडेट थी, सोचा रूबरू कराऊं। और दोस्तों स्कॉलरशिप को लेकर आप टेंशन मत लो, जो आनी थी वो आ चुकी है, और भी देखिए धीरे धीरे, अभी तक तो ये था कि 20 तक है, फिर अप्रैल तक में आनी है। अब कितनी आनी है, क्या आनी है, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि कितनी स्कॉलरशिप देगी। तो खैर दोस्तों कुछ अपडेट थी, सोचा रूबरू कराऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।